नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के शहरों के लिए 14 पूजा स्पेशल ट्रेन। जलस्तर बढ़ने से सिकटिया बांध से हो रहा रिसाव। सुधा डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे बिहार के 12 खिलाड़ी। बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली की जगह ले सकते हैं रोजर बिन्नी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेपी के गांव सिताब दियारा जाएंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के खिलाफ 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी की सत्ता को हिलाने वाले समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव सिताब दियारा जाने वाले हैं। आगामी 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह भी सिताब दियारा आने वाले हैं। सिताब दियारा जाने से पहले नीतीश कुमार ने वहां बीते दिन शुक्रवार को कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। नीतीश ने वहां बने स्मृति भवन, पुस्तकालय और नए पथ का लोकार्पण बीते दिन शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने उत्क्रमित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का भी शुभारंभ किया और घोषणा की कि इस अस्पताल का नाम जेपी की पत्नी प्रभावती देवी के नाम से रखा जाएगा। बता दें कि नीतीश 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर दिन में नागालैंड में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही शाम में पटना में जेपी जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और जेपी की कहानी सुनाएंगे। सुधा डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। पहले से महंगाई की मार झेल रहे बिहार के लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। बता दें कि बिहार में सुधा दूध के रेट में भारी बढ़ोतरी की गई है। दूध की नई दर 11 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। सुधा के गोल्ड दूध में प्रति लीटर 3 रुपए और अन्य सभी में 2 रुपए की वृद्धि हुई है। अब सुधा गोल्ड 56 की जगह 59 रुपए में मिलेगी। इसी तरह सुधा शक्ति 39 से बढ़कर 51, गाय का दूध 46 से बढ़कर 48 रुपए और सुधा हेल्दी 44 से बढ़कर 46 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी नीति में संशोधन के बाद से दही और दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ेगा। जलस्तर बढ़ने से सिकटिया बांध से हो रहा रिसाव। बिहार के गोपालगंज में वाल्मीकि नगर बड़ा से लगातार छोड़े गए पानी के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बढ़ते नदी के जलस्तर के कारण बरौली प्रखंड के सलेमपुर स्थित सिकटिया बांध में रिसाव होना भी शुरू हो चुका है। हालांकि जल संसाधन और बाघ नियंत्रण विभाग द्वारा बांध की मजबूती मरम्मती के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा बांध पर कैंप किया जा रहा ताकि दिन रात शिफ्ट वाइज कार्य करके बांध को मजबूत बनाया जा सके। बता दें कि वाल्मीकि नगर बड़ा से 4.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गोपालगंज में स्थिति बिगड़ गई है, जिसके बाद गांवों के लोगों को घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। बिहार के शहरों के लिए 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें। दीपावली और छठ पूजा के अवसर को देखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली से बिहार के अलग अलग शहरों के लिए 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करवाने का निर्णय रेलवे के द्वारा लिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में शराबियों ने भरा 17 करोड़ जुर्माना। बिहार में इस साल अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से 6 माह में 72,000 से अधिक अभियुक्त पहली बार शराब पीते पकड़े गए हैं, जिसके बाद इन शराबियों से नियमानुसार 2 से 5 हजार रुपए जुर्माना लिए जाने के बाद छोड़ा गया है, जिससे सरकार को 17.53 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। बता दें कि बिहार में पहली बार शराब पीने के जुर्म में जुर्माना भरकर छूटने वाले लोगों के घर चेतावनी पोस्टर चिपकाए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है। अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3,075 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे करीब 52,26,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, जिसके बाद सितंबर तक पकड़े गए शराबियों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 20,690 हो गया है, जिनसे 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे बिहार के 12 खिलाड़ी। उज्बेकिस्तान में अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में बिहार के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें बिहार के 5 लड़कों और 7 लड़कियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित किट यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा। बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर के लिए खिलाड़ियों का चयन सीनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है और प्रशिक्षण शिविर के जरिए ही इनका चयन भारतीय टीम में होगा। आपको बताते चले कि अगले महीने नवंबर में उज्बेकिस्तान में होने वाली अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता 5 से 6 तारीख को होने वाली है।
9 को जुटेंगे देश भर के डॉक्टर। बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के सहयोग से मेडिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स साइंसेज द्वारा 9 अक्टूबर को होटल मौर्या में पटनानी कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के कोने कोने से डॉक्टर हिस्सा लेंगे। वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष और एसटीओ डी स्पाइन एंड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर सौरभ चौधरी ने संक्षेप में कहा है कि इस साल यह एक अलग और पहली तरह का सम्मेलन होगा, जहां पूरे भारत के विशेषज्ञ चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे और ऑर्थोपेडिक समस्याओं व घुटने के आसपास में हाल के रुझानों पर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और राष्ट्रीय आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद करेंगे। नीतीश कुमार ने किया बड़ा खुलासा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के आरोप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे भी जदयू को कांग्रेस से मिलाने की सलाह दी थी, वे जदयू को कांग्रेस में मर्ज करवाना चाहते थे। पीके के इस आरोप पर कि नीतीश कुमार उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, सीएम नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को मैंने नहीं बुलाया था, बल्कि वह खुद ही आए थे, मैंने कोई भी ऑफर उन्हें नहीं दिया है। पिता की पुण्यतिथि पर आदमकद प्रतिमा स्थापित करेंगे चिराग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर एलजेपी के अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनकी प्रतिमा स्थापित करेंगे। बता दें कि शहर बन्नी खगड़िया में रामविलास पासवान के आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। चिराग पासवान ने बताया है कि बिहार के हर जिले में वे अपने पिता यानी रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि हर जिले में उन्हें जमीन मुहैया कराई जाए। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी रामविलास पासवान की जयंती पटना में मनाएगी। 8 अक्टूबर 2022 यानी कि आज 11 बजे दिन से राष्ट्रीय लोजपा के राज्य कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईएएस वीरेंद्र यादव के घर पहुंची सीबीआई। चर्चित सृजन घोटाला का तार जमुई से जुड़ता दिख रहा है। सीबीआई की टीम ने आईएएस वीरेंद्र यादव के पैतृक गांव भुल्लो में लोगों से पूछताछ की। बताया जाता है कि टीम वहां तकरीबन 20 मिनट तक रुकी। इस दौरान ग्रामीण के अलावा उनकी पैतृक संपत्ति की देखरेख करने वाले गोस्वामी से पूछताछ की। बता दें कि नजारत शाखा के 21.95 करोड़ से अधिक रुपए सृजन के खाते में डाइवर्ट करने के मामले में वीरेंद्र यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। वीरेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य अभियुक्तों को साथ मिलकर दो चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया और स्पेशल कोर्ट ने धारा 205 के तहत 30 मई को दाखिल अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था। लालू के आरजेडी अध्यक्ष बनने से पहले सीबीआई की चार्जशीट। लालू यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले ही रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। बता दें कि यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि वे रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कई लोगों को नियमों के खिलाफ जाकर नौकरियां दी थी। इसके बदले में उनसे लालू परिवार के लोगों और उनके करीबियों के नाम जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि भोला लैंड फॉर जॉब स्कैम का मुख्य कर्ता धरता थे। नीतीश सरकार आरक्षण पर रोक के खिलाफ करेगी अपील। बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20% आरक्षण पर रोक लगाए जाने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने जा रही है। सरकार के उच्चस्थ सूत्रों की माने तो 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट बंद है और इसके खुलते ही मंगलवार को शीर्ष अदालत में SLP दायर की जाएगी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण का नियमानुसार नहीं होने के बाद इस पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की जाएगी। निकाय चुनाव के लिए 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में वोटिंग होनी थी, मगर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे टाल दिया। अब नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। आज यानी 8 अक्टूबर 2022 को देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं, जिसके बाद बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने शनिवार 8 अक्टूबर को यानी कि आज पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम में 24 पैसे और डीजल में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 108.99 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 28 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है।
बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली की जगह लेंगे रोजर बिन्नी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी पूर्व के बीसीसीआई चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए पूर्व तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने रहेंगे। दरअसल 18 अक्टूबर को होने वाले चुनावों और वार्षिक आम बैठक में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी KSCA सचिव संतोष मेनन के बजाय रोजर बिन्नी का नाम बीसीसीआई के इलेक्ट्रोल रोल में सबसे आगे दिखाई दिया। इन सभी बातों ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए बिन्नी का नाम सबसे आगे होने की अटकलों को जन्म दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मनीष कुमार यादव, राकेश शर्मा, नन्नू कुमार, कुलदीप कुमार, बाबूलाल मरांडी, धनंजय सिंह, जीत राय, विपुल कुमार यादव, अनवर करीम खान, कुमार कौशल सिंह, मुतुल रंगीला, रंजीत कुमार ठाकुर, सरिता पासवान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अब अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।